हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो खान सर का रेलवे का बुक है उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें पहला क्वेश्चन है, कालिदास की महत्वपूर्ण रचना कौन कौन सी है? तो कालिदास के महत्वपूर्ण रचना हो जाएगा मेघदूत, रघुवंशम और अभिज्ञान संकुलतलम। मेघदूत, रघुवंशम और अभिज्ञान संकुलतलम ये किसके कृति है? तो कालिदास के। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये रहते थे। गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के समीप साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी 1916 में अहमदाबाद के समीप साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे और वहाँ से लौटे थे 9 जनवरी 1915 में। और इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। सिक्किम की राजधानी कहाँ पर हो जाएगा? सिक्किम की राजधानी हो जाएगा गंगटोक। और भारत के पहला सिक्किम राज्य है जो कि जैविक राज्य है। भारत का पहला जैविक राज्य कहेगा तो सिक्किम हो जाएगा। आगे देखेंगे, मोर को कहेगा कि मोर को 1963 में भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। मोर को राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता कब दी गई थी? 1963 में। मोर के कहेगा कि वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पायो क्रिया स्टेटस। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पायो क्रिया स्टेटस है। भारतीय रिजर्व जो बैंक है ये भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत के केंद्रीय बैंक कहेगा तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। और इसका कहेगा मुख्यालय कोलकाता से मुंबई कब किया गया था? तो इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई 1937 में किया गया था। पहले RBI के मुख्यालय कोलकाता था, 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया। आगे देख लेंगे, रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी तथा इसकी राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और इसका पहला गवर्नर कौन थे? तो ओसबर्न स्मिथ थे। और पहला उप गवर्नर कहेगा तो KG उदेशी हो जाएंगी। और पहला भारतीय गवर्नर कहेगा तो CD देशमुख थे। हीरा क्या है? तो हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है और इसका जो आकार है ये है चतुष्फलकीय। द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है। शरीर के ऊतक वृद्धि विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन है। ट्रिपल एंटीजन आगे देखेंगे, आगे थोड़ा कर लेते हैं। जो ट्रिपल एंटीजन है ये टाइफाइड के प्रतिरक्षित नहीं करता है, यानी कि ट्रिपल एंटीजन जो है ये किसे बोला जाता है? तो DPT को ट्रिपल एंटीजन बोला जाता है। और ये किसके किस में दिया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस में DPT के टीका लगाया जाता है जिसे ट्रिपल एंटीजन बोला जाता है। टाइफाइड किसके कारण से होता है? तो ये होता है जीवाणु के कारण से। जीवाणु के खोज किए थे लीवेनहॉक 1676 में। आगे देखेंगे, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर की खोज कब हुआ था? तो 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में कहेगा कि महान क्रांति कब आया था? तो 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आया था। रोमानिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? रोमानिया की राजधानी हो जाएगा बुखारेस्ट। कागज का आविष्कार का सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार हुआ था सबसे पहले चीन में। भारत में कागज का आगमन कब हुआ? तो 12वीं शताब्दी में। डेनिस टीटो ये विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कहेगा तो डेनिस टीटो हो जाएंगे। और स्टीपल शब्द का संबंध कहेगा तो हॉर्स रेसिंग से है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुए? तो ये थे कुणाल। अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल थे। अशोक ने धमेक स्तूप के निर्माण करवाया था जो कि वाराणसी के करीब है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है तमिलनाडु के मदुरई में। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल हो जाएंगे। अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार के। बिंदुसार अशोक के पिताजी थे। 16 जून 1674 को काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। कौन करवाया था? तो ये काशी के प्रसिद्ध विद्वान था गंगा भट्ट। शिवाजी का राज्याभिषेक उनके कहाँ पे हुआ था? तो उनके राजधानी में।
शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में अपना राज्याभिषेक करवाया था। कब? तो 1674 में, और 1674 में ही शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी बनाया था। राजा की उपाधि शिवाजी को किसने दिया था? तो ये दिए थे औरंगजेब। शिवाजी के जन्म हुआ था सिवनेर में 1627 में, और इनकी मृत्यु हुआ था 1680 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। पृथ्वी की आकृति कैसा है? तो यह है जियोर्ड। पृथ्वी की आकृति है जियार्ड। 1992 में रियो डी जेनेरियो में प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है, पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। विश्व पृथ्वी दिवस कहेगा तो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 में, और इसका मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे देख लेंगे, विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? सिंगापुर में। विश्व व्यापार संगठन के जो प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था सिंगापुर में। कब? तो 1996 में, यानी कि गठन के एक साल बाद। विश्व व्यापार संगठन, इसका पहले नाम क्या था? तो गैट था, जिसका स्थापना हुआ था 1947-48 में, और इसका नामकरण करके 1995 में विश्व व्यापार संगठन किया गया। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फल के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा टेकोफेरॉल। जीवाणु की खोज किसने किया था? लीमेनहॉक 1676 में। ट्रैकोमा रोग नेत्र को प्रभावित करता है, और ये होता है जीवाणु से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। राष्ट्रीय संघ विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। राष्ट्रीय संघ विश्व के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कहेगा तो 51 थी, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। भारत इसका सदस्य कब बना था? तो 1945 में ही। वर्तमान में इसमें सदस्य देश की संख्या कितना है? तो 193। एलिस इन वंडरलैंड के लेखक कौन है? तो लेविस कैरोल हो जाएंगे। एलिस इन वंडरलैंड के लेखक हो जाएंगे लेविस कैरोल। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटी थी? 16 दिसंबर 1773 को, और ये कहाँ पर हुआ था? तो अमेरिका में, और ये अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम के ये तत्कालीन कारण था। बोस्टन की चाय पार्टी जो कि 1773 में हुआ था, ये अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था। इसके नेता कहेगा तो सैमुअल एडम्स थे। भारत में 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था। भारत में 1931 में पहली बार जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हुई थी। जनगणना जो है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना कहेगा तो अनुच्छेद 246 के तहत कराया जाता है। विमंडन का संबंध कहेगा तो ये हो जाएगा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से। आगे देख लेंगे, आगे है। कनिष्क ने भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का आरंभ कराया था, और कनिष्क ने ही शक सनद की शुरुआत की थी 1878 में। और कनिष्क कौन थे? तो ये कुषाण वंश के महान शासक थे। सिंह हुआंगटी ने चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया था। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? तो अभिनव तारा को ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहते हैं। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, और जो 49 डिग्री समांतर रेखाएं हैं, ये अमेरिका और कनाडा को जोड़ती हैं। जॉर्डन और इजराइल के बीच मृत्य सागर स्थित है। जायरे का नवीन नाम कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना भाग होता है? तो 1/6 भाग। और पृथ्वी का जीवाश्म उपग्रह कौन सा हो जाएगा? तो चंद्रमा हो जाएगा। चंद्रमा तथा पृथ्वी के औसत दूरी कितना है? चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी हो जाएगा 384,000 किलोमीटर। वासी जनजाति ये लक्षद्वीप में निवास करती है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, और ये किसका बना है? तो प्रवाल भीति का। लक्षद्वीप के जो भाषा है ये है मलयालम। मलयालम भाषा केरल में भी बोला जाता है।
आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। कह रहा है कि अंद्रोत द्वीप, जिसे एंड्रोट भी कहते हैं, एंड्रोट कहीं कहीं देता है, जो एंड्रोट द्वीप है ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि अमिनी द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। एंड्रोट जो द्वीप है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि अमिनी द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश और बंदी प्रतिक्षीकरण जैसे रिट जारी किए जाते हैं। जो उच्चतम न्यायालय है ये 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत करता है, और उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। ध्वनि तरंगों का परावर्तन प्रतिध्वनि के कारण होता है। जो ध्वनि तरंग के परावर्तन होता है ये प्रतिध्वनि के कारण होता है। जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते का लेप किया जाता है। जंग से बचाने के लिए उस पर किसका लेप किया जाता है, तो जस्ते का। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा है, तो अभिनव तारा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है। जंग लगने के कारण जो लोहे का भार होता है ये बढ़ जाता है। जो स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप ये किस पे कार्य करता है, तो ध्वनि के परावर्तन पे, और हृदय के धड़कन की माप करता है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह कौन करता है, तो आरएनए। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह आरएनए के द्वारा होता है। ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा आँखों की बीमारी है। सामान्य आँख के लिए अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम जो दूरी है यह है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी कहेगा तो ये हो जाएगा अनंत। प्रतिबिंब जो बनता है मानव के, प्रतिबिंब मानव आंख में कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। मानव नेत्रदान में कॉर्निया का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कहेगा कि मानव के नेत्र के कौन सी भाग को दान किया जाता है, तो कॉर्निया का। स्काउट का आदर्श वाक्य क्या है, तो सजग रहो। स्पुतनिक जो फर्स्ट, ये मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था, जो कि सोवियत संघ रूस के द्वारा छोड़ा गया था 1957 में। विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए किलोवाट घंटा मीटर का उपयोग किया जाता है। द्वितीयक सेल को क्या कहा जाता है, द्वितीयक सेल को संग्रहक सेल कहते हैं। संग्रहक सेल किसे कहते हैं, तो द्वितीयक सेल को। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। सिल्वर के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है। जो सिल्वर धातु है इसका प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग कितना होता है, 0 होता है, इसलिए ये विद्युत का अच्छा चालक है। आगे देखेंगे। बैटरी की अवस्था वोल्टमीटर द्वारा ज्ञात की जाती है। बैटरी की जो अवस्था है ये वोल्टमीटर द्वारा ज्ञात की जाती है। एक शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, तो लोडिंग होता है। एक गोलार्ध के आधार से गुरुत्व केंद्र का स्थान 3/r दूरी पर है। तीन बटे आठ आर दूरी पर है। जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसे बड़ा जी कहते हैं, इसका मान कितना होता है, 6.67 × 10⁻¹⁰ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg²। 6.67 × 10⁻¹⁰ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg². मैग्नीशियम मिलाने से कास्ट आयरन तन्य होता है। मैग्नीशियम धातु मिलाने से क्या होता है, तो कास्ट आयरन तन्य होता है। एक थ्रोटलिंग प्रक्रम में दाब क्या होता है, तो स्थिर रहता है। आगे देख लेंगे। 2004 के सुनामी में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा है, तो इंडोनेशिया हुआ था। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा होता है, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर अवस्थित है, तो ग्वालियर में। भारत और बांग्लादेश की सरकार ने चटगांव एवं अगरतला के मध्य बस चलाने का निर्णय लिया है। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है, तो फिजी से। फिजी की राजधानी कहाँ पे है, तो सुगा में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। गुरु हरगोविंद मुगलों से युद्ध करने वाले पहले सिख गुरु थे। और ये सिखों के छठे गुरु थे। बाबर और जहांगीर ऐसे दो मुगल बादशाह हैं जिसने अपनी आत्मकथा लिखा है। बाबर ने लिखे हैं बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में लिखे हैं।
बाबर की आत्मकथा हो जाएगा तुजक ए बाबरी, जो कि किस भाषा में है, तो तुर्की भाषा में। और जहांगीर की आत्मकथा हो जाएगा तुजक ए जहांगीरी, जहांगीर के बचपन के नाम कहेगा तो सलीम है। आगे देखेंगे 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था और इसका निर्णय लिया गया था कब, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। ब्राजील चीनी के सबसे बड़ा उत्पादक देश है, चीनी के सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा ब्राजील। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो क्यूबा देश को। गैलीलियो ने शनि के रिंग्स की खोज की थी, शनि के रिंग्स की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने। और वर्तमान में कहेगा किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है, तो शनि के सर्वाधिक उपग्रह है 145 वो। टाइटन शनि के सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे देखेंगे बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है, बादाम पहाड़ है उड़ीसा के कोरापुट जिले में अवस्थित है। भारत के देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और भारत के अक्षांशीय विस्तार कहेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे देख लेंगे, आगे है फेडरलिज्म भारतीय संविधान के प्रस्तावना का भाग नहीं है, फेडरलिज्म भारतीय संविधान के प्रस्तावना का भाग नहीं है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद पर होती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है ये पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद पर होती है। गैलीलियो ने शनि ग्रह के रिंग्स की खोज की थी, यानी कि बलय की। लेंज का नियम ये ऊर्जा संरक्षण का नतीजा है, लेंज का नियम किस पे आधारित है, तो ऊर्जा के संरक्षण पे। आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरो एसिटोफिनोन। जी का इकाई क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, बड़ा जी की इकाई हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और सेलेक्ट लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यह हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसे कहते हैं कास्टिक सोडा। 373 केल्विन पैमाने पर जल क्या होता है, तो उबलने लगता है, वही डिग्री सेल्सियस में कहेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। हरे पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 16 है। बोगीबील ब्रिज जो कि असम में स्थित है, ये भारत के सबसे लंबा रेलवे पुल है और ये किस नदी पर बना है, तो ये बना है ब्रह्मपुत्र नदी पर और इसकी लंबाई कहेगा तो 4.9 किलोमीटर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा विश्व का चौथा सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसे डैंथनेन प्रपात कहते हैं और ये मेघालय के चेरापूंजी में स्थित है। विश्व के चौथा सबसे ऊंचा जलप्रपात डैंथनेन प्रपात मेघालय के चेरापूंजी में स्थित है। और एलिफेंटा जलप्रपात कहेगा तो ये भी मेघालय में स्थित है। मणिपुर में स्थित कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय पार्क है। कहेगा विश्व के सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो यह हो जाएगा सांटो एंजिल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व के सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप है और जिसे मानव के घर भी कहा जाता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा एक गैस के रुद्धोष्म में दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होता है, तो बढ़ता है। एक गैस के रुद्धोष्म में दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होता है, तो बढ़ता है। परावर्तन तथा अपवर्तन प्रकाश के दो अलग अलग रूप हैं। प्रकाश का निर्वात में चलने का कारण क्या है, तो उसका विद्युत क्षेत्र। प्रकाश का निर्वात में चलने का कारण हो जाएगा उसका विद्युत क्षेत्र। टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट में अवरक्त तरंगों का उपयोग होता है। अवरक्त तरंग की खोज किसने किया था, तो विलियम हर्सेल ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक। कब दिए थे, तो 1953 में और इनके लिए इन्हें कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार, तो 1963 में। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे वाटसन क्रिक 1953 में और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1963 में। जीन डीएनए के सबसे छोटा खंड है जो अनुवांशिकता को निर्धारित करता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा
रोम में विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय है। विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है रोम में, जिसका गठन हुआ था 1945 में। वाइचिंग भूटिया अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। चोल शासक राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर कब्जा किया था। चोल वंश के संस्थापक कहेगा तो ये हो जाएंगे विजयालय। और चोल वंश की राजधानी कहाँ पे थी, तो तंजावुर, जिसे तंजौर भी कहते हैं। आगे देख लेंगे, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी अकबर के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती आरंभ की थी। गोवा को पुर्तगाली से कब आज़ाद किया गया था, तो 1961 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है डंपिंग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना डंपिंग कहलाता है। निम्न ब्याज दर वाले ऋण को सुलभ ऋण कहते हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता गैर राज्यसभा सदस्य करता है। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो गैर राज्यसभा के सदस्य, और ये करते हैं उपराष्ट्रपति, और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। पारासरव तरंगे निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे हैं। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये कॉटाज का रासायनिक नाम है, और इसका सूत्र होता है SiO2। एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन निहित होता है। एल्कोहल में क्या निहित होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। परमाणु विभाज्य नहीं होता है, और ये क्या होता है, तो ये होता है उदासीन। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, चेचक रोग जो है ये विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, और चेचक के टीके खोज किए थे एडवर्ड जेनर ने। बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। बिंबिसार ये हरेक वंश के संस्थापक थे, और जो बिंदुसार थे ये मौर्य वंश के शासक थे। बिंदुसार के अन्य नाम कहेगा तो यह उपनाम अमित्रघात था। बिंबिसार हरेक वंश के संस्थापक थे, जबकि बिंदुसार ये मौर्य वंश के शासक थे, और बिंदुसार के उपनाम कहेगा तो अमित्रघात था। आगे देखेंगे, हरेक वंश का राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र। नदियाँ जब समुद्र में आकर मिलती है तब क्या करती है, तो डेल्टा का निर्माण करती है। सबसे बड़ा डेल्टा कहेगा तो ये हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। राज्यपाल का अध्यादेश जारी होने पर विधानसभा की संतुति आवश्यक है। राज्यपाल अध्यादेश का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, अनुच्छेद 213 में। और राष्ट्रपति के अध्यादेश कहेगा तो अनुच्छेद 123 में। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत, और ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। जो व्यवसायिक कर है, व्यवसायिक कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। अधिक बूंदे रहने पर इंद्रधनुष बनता है, और जो इंद्रधनुष बनता है ये सूर्य के विपरीत बनता है, इसीलिए दोपहर में इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। आभूषण के कारण सोना महत्वपूर्ण धातु है, और ये स्वतंत्र रूप में पाया जाने वाला धातु भी है। बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें मिलाया जाता है जिलेटिन, और बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होता है, तो घटता है। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या हो जाएगा, हर्ट्ज होगा। फैराडे का नियम का संबंध किससे है, विद्युत अपघटन से है। सबसे पहले बड़ा जी का प्रायोगिक मान किसने दिया था, तो ये दिया था कैवेंडिश ने। नीम का उपयोग कैंसर रोधी और गर्भ निरोधक दवा बनाने में किया जाता है।
नीम का उपयोग कैंसर रोधी और गर्भ निरोधक दवा बनाने में किया जाता है। यहाँ दवा छूट गया है, आगे देख लेते हैं। आगे हो जाएगा वनस्पति में जीव होते हैं, ये किसने कहा था? तो ये कहे थे जेसी बोस। वनस्पति में जीव होते हैं, ये कहे थे जेसी बोस ने। पौधे का वृद्धि किससे मापते हैं? पौधे की वृद्धि मापते हैं केस्कोग्राफ से, और केस्कोग्राफ की खोज भी जेसी बोस किए थे। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है अहमदाबाद में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ये हो जाएगा NCERT, यानी कि NCERT के फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और NCERT गठन हुआ था 1961 में। मोहम्मद अली जीना को कायदे आजम भी कहा जाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कराता है? तो सिक्कों का अध्ययन कराता है नीमी ऑस्मेटिक्स कहलाता है। आगे देख लेंगे कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 73 मीटर, फीट में कहेगा तो 240 फीट। कुतुब मीनार की नींव कौन रखे थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक रखे थे, जिसे पूरा करवाए थे इल्तुतमिश। ये दिल्ली संतरत के वास्तविक संस्थापक थे, और वैसे कहेगा संस्थापक दिल्ली संतरत के तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।